कब रुकेगा मुमरा बाईपास पर मौत का सिलसिला? लगातार जा रही है जान, प्रशासन जिम्मेदार या यहाँ के नेता? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। देर रात का समय है और मैं इसी मुमरा खूनी बाईपास पर हूँ, जहाँ पर बीते एक हफ्ते में लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ा है। ये वही रोड है और इसी रोड के पीछे ये जो ऐसी गाड़ियाँ लगी होती है, ट्रक कंटेनर, इसी कंटेनर की चपेट में या तो कुछ लोग आ जाते या फिर जो मैं ब्रिज आपको दिखाऊंगा उस ब्रिज के हादसे से हो जाते। अब यहाँ पर देखिए, 29 तारीख का मैं हवाला दूंगा कि 29 मई के दिन एक ऐसा घटना हुआ जिस घटने में एक जो व्यक्ति था उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हुई और इसी सड़क पर खून से घिसते हुए पूरा जो कंटेनर है उसकी चपेट में आकर के पूरा यहाँ से घसड़ते हुए वहाँ जा कर के, जो आप देख रहे ब्रिज के ऊपर का जगह जहाँ पर 25 मई के दिन एक घटना हुई थी, उसी घटना के बाद 29 मई के दिन वहीं पर एक लाश मिली। लाश दो टुकड़ों में थी और वैसी लाश को हम आपको दिखा नहीं सकते। दो टुकड़ों में लाश थी, हमने देखा, हमने एम्बुलेंस से संपर्क करके एम्बुलेंस को बुलाया और पुलिस प्रशासन को बुला करके बॉडी को जो है कलवा के छत्रपति अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसी जगह पर लाश तड़पते रही, वो गिड़गिड़ाते रहा, उसकी जान लेकिन यहाँ से चली गई। सामने देखेंगे बेडफोर्ड हॉस्पिटल है, ये अस्पताल की सबसे एक जो है सवालिया खड़ा करने वाला ये एक सवाल है कि इसी अस्पताल में 25 मई के दिन जो घटना घटी थी बाईपास, इस ब्रिज के नीचे जो ट्रक टेम्पो आ गया था, उसी ट्रक टेम्पो की चपेट में एक जो बच सकता था, जिसके पैर काटे गए, वो व्यक्ति बचने के लिए अस्पताल तो आया था। वार्ड साहब ने वादा किया था कि ट्रीटमेंट जो है मैं अपनी तरफ से करूँगा, लेकिन अस्पताल में किसी भी प्रबंध का पैसा नहीं गया और इसी के चलते उसे साइन अस्पताल उसके परिवार वाले ले गए, क्योंकि लगातार जो बिल का था मामला वो बिल बढ़ते गया। 50,000 रुपया जो पीड़ित के परिवार वाले उन्होंने भरा, लेकिन जब मेडफोर्ड वाले ने कॉस्ट ज़्यादा बताया और कहा कि हमारे पास पैसा जो है वो नहीं आया है किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जो हम इलाज करवा सकते हैं। अगर ये अस्पताल थोड़ा सा मुरव्वत दिखा देता और थोड़ी सी मुरव्वत के चलते अगर उसके इलाज कर देता गरीब देख करके या एक से नहीं कमाता, तो वो आज शायद ज़िंदा होता और वो ज़िंदा होने के बाद कहीं ना कहीं ये हादसे का थोड़ा सा जो है हम इतना चर्चा नहीं करते। लेकिन अभी भी देर रात को आने का समय यही है कि मौत का सिलसिला कब रुकेगा। अस्पताल बाजू में लेकिन इलाज नहीं करता, सिर्फ जो है अस्पताल पैसों कमाने के लिए बना हुआ है। इसी ब्रिज से नीचे 25 मई के दिन हादसा हो जाता है, उसके बावजूद ये देखेंगे आप कि ये सही तरीके से कहीं पर भी सेफ्टी बाउंड्री नहीं लगी है और जो लगी है उसका आप कंडीशन देखिए कि यहाँ पर हादसा होते होते ये पूरा बैंड हो चुका है और ये बैंड होने के बाद अभी भी इस जगह पर मौत का इंतज़ार हो रहा है। ये जो ब्रिज है ये बलि चाह रहा है, यानी अभी इस ब्रिज पर जब तक लोगों की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, यानी जब तक लोग मरेंगे नहीं, जब तक यहाँ पर प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी नहीं आएगा। अभी रात के समय आप देखिए कि नीचे सन्नाटा पसारा हुआ है और यहाँ से जो आप जगह की तस्वीर देख रहे हैं, इसी जगह पर हादसे को दावत दिया जाता है। अभी भी यहाँ के जो विधायक जितेंद्र राड़े, अगर उनकी आंख नहीं खुली तो ये मौत का सिलसिला लगातार बढ़ते जाएगा। 25 मई रविवार का दिन था और इस रविवार के दिन दो लोगों ने अपनी जान गंवाई इस हादसे के चपेट में आने से। 29 मई के दिन हमारे आंखों के सामने यहाँ पर वो तड़पता रहा, उसने अपनी जान गंवाई। इससे पूर्व में भी कितने मामले होंगे जो इस बाईपास के अब खून लग चुका है, यानी अब ये लगातार मौत चाह रहा है और ये मौत का सिलसिला सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी बाउंड्री लगाने के बाद ही थमेगा। एकनाथ शिंदे पर ध्यान देंगे और यहाँ की लाइट व्यवस्था देखिए कि लाइट भी नहीं है, तो ये लाइट का ध्यान भी कौन देगा। सवाल अपने अपने जगह पर है कि देर रात को मुमरा खूनी बाईपास पर लाइट ना होना, सेफ्टी बाउंड्री नहीं होना, और जो सेफ्टी बाउंड्री नहीं होने की वजह से जो हादसे हो रहे उस हादसे से होने वाली मौत का जिम्मेदार हम किसे ठहराए, ऐसे तमाम सवालात का जवाब यहाँ की जनता पूछ रही है और इस सवाल का जवाब विधायक जितेंद्र आहाड़ दे और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दे या यहाँ के मनपा अधिकारी दे या MMRDA दे। अब यही तमाम चीज़ों के सवाल से हम ख़त्म करते हैं कि विधायक जितेंद्र आहाड़ और मेडफोर्ड हॉस्पिटल की थोड़ी सी जो है वो ढीले रवैये की वजह से एक
व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई और वो अब जो है लगातार ऐसी जान ना जाए उसके लिए क्या प्रयास करते हैं विधायक जितेंद्र रावत। कैमरामैन नाहिद कुरैशी के साथ दर्शक मुंबई टीवी।